और बात करेंगे संसद पर हमले के 22 साल संसद भवन पहुंचे पीएम मोदी, शहीदों को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी है। तो आपको बताते चलें कि संसद पर हमले को 22 साल हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे हुए, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तस्वीरों में आपको लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नजर आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आपको नजर आ रही हैं। और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और उन पलों को याद किया गया, उन शहीदों को नमन किया गया है। ये तस्वीरें आप संसद भवन की देख रही हैं जहां पर पीएम मोदी मौजूद हैं, साथ ही गृह मंत्री भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और उन सभी शहीदों को याद किया गया है, उन सभी शहीदों को नमन किया गया है। तस्वीरें लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये देख रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे हुए हैं और आज पूरे 22 साल हो चुके हैं जब संसद भवन पर हमला हुआ था और सभी शहीदों को याद किया जा रहा है, उन्हें नमन किया जा रहा है और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आज के उस दिन को कोई भी नहीं भूल सकता है जब संसद भवन पर हमला हुआ और उसमें जो जवान शहीद हुए थे, किस तरीके से उन्होंने अपने प्राण की आहुति दी थी और देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान गंवाई। और आज 22 साल हो गए हैं और उन सभी जवानों को नमन, उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि, उन सभी शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब हम शहीदों के सम्मान में मौन धारण करेंगे। तो 13 दिसंबर 2021 के दिन को कोई भी नहीं भूल सकता जब सुबह 11:30 हो रहे थे और संसद भवन में काम चल रहे थे सम्मान रूप से जैसे चलते हैं, और वहीं शीतकालीन सत्र चल रहा था। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही हंगामे के कारण कुछ देर के लिए स्थगित हो गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ सांसद भवन से जा चुके थे, लेकिन लाल कृष्ण अडवाणी सहित करीब 200 सांसद उस समय भी संसद भवन के अंदर थे। सुरक्षाकर्मी भी संसद भवन में मौजूद थे और अचानक सफेद रंग की एम्बेसडर कार संसद भवन में प्रवेश करती है और में मंत्रालय का स्टिकर भी लगा रहता है, लेकिन संसद भवन प्रवेश के लिए जो तय रफ्तार थी उससे उस गाड़ी की रफ्तार ज्यादा थी और इसी कारण सुरक्षाकर्मी जगदीश यादव गाड़ी को रोकने के लिए उसके पीछे भागते हुए नजर आए थे। तो उस दिन को कोई भी नहीं भूल सकता है जब संसद भवन पर हमला हुआ था और उस दौरान ही देखा गया था कि किस तरीके से वीर जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश के दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था। और आज उन सभी जवानों को याद किया जा रहा है, उन सभी जवानों को याद करके आंखें नम हो जाती हैं कि किस तरीके से देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान गंवाई।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जगदीप धनखड़ भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, तमाम जो दिग्गज हैं वो आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, एक एक करके वो सभी उन जवानों को याद कर रहे हैं, क्योंकि 13 दिसंबर 2001 की तारीख भूली नहीं जा सकती है कि किस तरीके से संसद भवन पर हमला हुआ था, और इस हमले में जो वीर सपूत थे उनकी जान चली गई थी, और आज पूरे 22 साल हो रहे हैं। आप सोचिए ज़रा, इन 22 साल में क्या क्या चीज़ें बदली, और किस तरीके से अब जो देश के दुश्मन हैं वो अब इस तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते हैं, और आज 22वीं बरसी जो है वो मनाई जा रही है, और तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शहीद के परिजनों से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये संसद भवन की तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद अब पीएम मोदी शहीदों के परिवार से, उनके परिजनों से, उनसे मिलते, उनसे बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज 22वीं बरसी जो है वो मनाई जा रही है, और संसद भवन के हमले जब हुए थे 13 दिसंबर 2001 और आज 22 साल हो गए हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, शहीदों के परिवारजनों से पीएम मोदी बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इस दौरान लोकसभा स्पीकर भी ओम बिरला आपको नज़र आ रहे हैं, और एक एक करके जो वहाँ पर परिजन मौजूद हैं उनसे वार्ता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। जी, हालांकि इस पूरी घटना को आज तो देखिए, इस पूरी घटना को 22 साल हो चुके हैं, लेकिन वो जख्म भुलाए नहीं जा सकते हैं, और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जब संसद भवन में उन सभी वीर सपूतों को नमन किया गया, उन वीर सपूतों को याद किया गया, और जो शहीद के परिजन हैं वो भी आपको इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, उन परिवारजनों से बातचीत करते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी आपको नज़र आ रहे हैं, पीएम मोदी बातचीत कर रहे हैं। तो आज 22वीं बरसी जो है संसद भवन की मनाई जा रही है, 13 दिसंबर का वो दिन, वो सुबह, किस तरीके से हमला हुआ, और देश के वीर सपूतों ने अपनी जान निछावर करके किस तरीके से देश की सुरक्षा की, और देश के दुश्मनों को मौत के घाट उतारा, उस दिन को कोई भी नहीं भूल सकता। लेकिन ये तस्वीरें आप ज़रा देखिए, आज 22 साल हो गए हैं, और संसद में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, दो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक एक करके उन सभी शहीदों को याद किया गया, गृह मंत्री अमित शाह भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं संसद भवन की तस्वीर है, जहां पर उपराष्ट्रपति पीएम मोदी आपस में बातचीत करते हुए, हालांकि इससे पहले उन्होंने शहीदों के परिजनों से मिलते हुए, उनसे बातचीत करते हुए नजर आए, और ये बातचीत उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी के बीच संसद भवन की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो वो सभी वीर सपूत जिन्होंने देश की रक्षा की और अपनी जान की परवाह किए बगैर ही कैसे रक्षा की,
आज उन सभी देश के वीर जवानों को याद किया जा रहा है, उन वीर सपूतों को याद किया जा रहा है और उन सभी को श्रद्धांजलि दी गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 13 दिसंबर 2001 की वो घटना जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, उन जख्मों को कभी भरा नहीं जा सकता, जिनके घर के वीर सपूत जो आज इस दुनिया में नहीं है, हम सबके बीच नहीं है, जिन्होंने देश की खातिर अपनी जान निछावर कर दी। ये तस्वीर संसद भवन की आप देख रहे हैं, जहां पर तमाम बड़े दिग्गज आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और एक एक करके सभी दिग्गजों ने उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं संसद भवन की। तो ये तस्वीर आप देख रही हैं, संसद भवन की तस्वीरें। और सहयोगी विनीत कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, जरा बताइए, क्योंकि वाकई 13 दिसंबर 2001 की घटना को कोई भी नहीं भूल सकता। आज 22 साल हो गए हैं, 22वीं बरसी मनाई जा रही है और उन सभी देश के वीर सपूतों को याद किया जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रही हैं, जो कि संसद भवन की तस्वीर है। उन सभी जवानों को याद किया जा रहा है, उन सभी वीर सपूतों को याद किया जा रहा है और एक एक करके तमाम बड़े दिग्गजों ने उन सभी शहीदों को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। आगे भी खबरें जा रही हैं, और कहीं छोटे से ब्रेक के लिए चलते रहते हैं।